हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सिंगोरामी फिश के बारे में। तो आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सिंगोरामी फिश के बारे में। वीडियो मेनली तो केयर के बारे में, हाउ टू केयर की सिंगोरामी फिश, और उसके साथ भी मैं आपको कि सिंगोरामी फिश का जो नॉर्मल प्राइस है वो बताऊँगा, और उसी के साथ में आप कैसे किन टैंकमेंट्स के साथ कितने बड़े टैंक में किस तरह की सिंगोरामी फिश को रख सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंगोरामी की। तो किसिंगोरामी को नॉर्मली किसिंगोरामी किस लिए कहा जाता है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को इसके स्ट्रक्चर से पता चल गया होगा। तो इसे किसिंगोरामी इसके बॉडी स्ट्रक्चर के चलते कहा जाता है कि जैसे इसका स्ट्रक्चर और जैसे इसके माउथ की पोजीशन रहती है नॉर्मली, तो इसलिए उसे किसिंगोरामी कहा गया है। और बहुत बार हमने कैप्चर किया होगा कि आमने सामने खड़ी रहती हैं फिशेस जैसे एक किस कर रही हूँ, बट रियल में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जब दो मेल्स फाइट करने वाले होते हैं और एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे होते हैं, तब वो ऐसी पोजीशन में आते हैं। बस इनके स्ट्रक्चरल अपीयरेंस की वजह से इन्हें नाम किसिंगोरामी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस फिश को रखने के लिए आपको मिनिमम, मैं बताता हूँ, आपको टैंक रखना चाहिए कम से कम 2 फीट या 2.5 फीट का, और उसमें ज़्यादा फिशेस मिक्स नहीं करनी चाहिए। एंड सबसे मेन बात है कि हमें दो मेल्स को साथ नहीं रखना चाहिए। अगर हम मेल्स को साथ रखना चाहें, एक से ज़्यादा मेल्स रखने हैं अगर हमें, तो फिर हमें बड़ा टैंक रखना चाहिए कम से कम 3 फीट का। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें मेल्स साथ में नहीं रखने चाहिए क्योंकि मेल्स फाइट करते हैं और एक दूसरे को हार्म पहुँचा सकते हैं अपने टैंक के अंदर। किसिंगोरामी के मैंने सबसे बेस्ट टैंक मेट्स बता दिए हैं तो आपको पिछली वीडियो में, तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। आप डायरेक्ट चैनल पेज से देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, हम कॉमनली जो दूसरे टाइप की गोरामी फिशेस हो सकती है वो रख सकते हैं, जो कम साइज़ वाली होती हैं उन इनकी तरह ही। तो आप अनी गोरामी रख सकते हैं, ब्लू गोरामी रख सकते हैं, पर्ल गोरामी रख सकते हैं, और बाकी कुछ गोरामी की स्पीशीज रख सकते हैं, और आप इरिडेशन शार्क भी रख सकते हैं। गोल्डफिश मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पर आप चाहे तो गोल्डफिश रखने की ट्राई कर सकते हैं, अगर फाइट करे तो अलग कर देना। एंड आप ऐसी काफ़ी फिशेस रख सकते हैं, मैंने आपको फिशेस बताई हैं उस वीडियो में, वो जाकर देख लीजिए। एंड मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है आपको कि हम बेटा फिश के साथ कैसे रख सकते हैं, फीमेल बेटा के साथ की सिंगोरामी को। तो आपको अगर रखना हो तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, और आपको ज़्यादा छोटी फिशेस भी नहीं रखनी चाहिए की सिंगोरामी के साथ, क्योंकि अगर फिशेस बहुत ज़्यादा छोटी होंगी वे बड़ी हो रही होंगी, अगर उनके माउथ के साइज जितनी फिशेस होंगी तो वो उन्हें खा सकती हैं। तो इसलिए छोटी फिशेस रखना अवॉइड करें, उनके साइज़ के हिसाब की फिशेस रखें। एंड एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात है कि ये मिडल स्विमर फिश होती है, तो नॉर्मल देखा जाए तो ज़्यादा ऊपर स्विम करने वाली फिशेस से भी इसे प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो नीचे स्विम करने वाली होती है उनसे भी ना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मिडल स्विमर है तो ये एक्वेरियम के बीच में स्विम करती है। तो फ्रेंड्स, इनकी केयर यही है। तो केयर में, क्योंकि हमें केयर में इनके टैंक साइज देखना होगा, इनके टैंक मेट देखने होंगे। अब एक बार मैं आपको फीडिंग का बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फीडिंग में आप इन्हें जो नॉर्मल हमें फिशेस के लिए, जिसमें सब फिशेस का होता है ना, कोई फिशेस के लिए इरिडेशन शार्क ऐसी काफ़ी फिशेस के लिए जो फीड मिलता है हमें, वही हम नॉर्मल फीड दे सकते हैं ऑप्टिमम का या फिर टाइयो का। क्योंकि फ्रेंड्स, ये किसी कंपनी का प्रमोशन की वीडियो नहीं है, बस इसमें मैं आपको बेस्ट कंपनीज बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से भी, और ज़्यादातर हॉबीस्ट यही दो कंपनीज बेस्ट सजेस्ट करते हैं, ऑप्टिमम एंड टाइयो का। तो फ्रेंड्स, आप ये फिश फूड दे सकते हैं उन्हें, या फिर आप थोड़ा फ्लेक्स दे सकते हैं, और आप चाहे तो वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं, पर अगर, क्योंकि वेजिटेबल्स इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर अगर वेजिटेबल्स ना खाए तो इन्हें थोड़ी देर बाद रिमूव कर दे, वरना आपके एक्वेरियम का वाटर गंदा हो जाएगा। अब
एक और बात कि आपको इनके साथ लाइव प्लांट्स रखनी चाहिए, क्योंकि मतलब वह ज़रूरी नहीं है, पर ये प्लांटेड में हम रख सकते हैं क्योंकि इन फिशेस को नेचुरल प्लांट्स पसंद है। तो आप नेचुरल प्लांट्स रखेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी एंड हैप्पी रहेंगी। लेकिन हाँ, चांसेस है कि ये प्लांट्स को पसंद करती है, हो सकता है प्लांट्स को खाने लग जाए। तो आप ना रखें तो अगर रख फिर भी थोड़े बहुत आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने चाहिए 3-4, तभी आपकी फिशेस अच्छी और हेल्पी रहेंगी। एंड मैं आपको प्राइस का बताना भूल गया था, तो प्राइस अभी मैं बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो प्राइस फ्रेंड्स इसका ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल रेंज है। जो छोटे हमें 2 से 3 इंच के साइज़ की गोरामी फिश मिलती है वो हमें मिल जाएगी 80 से 100 रुपये पेयर की। जगह के हिसाब से अगर आप बेंगलोर साइड में रहते तो आपको बहुत चीप मिल जाएगी वेस्ट के साइड्स में, और आप या मिडल इंडिया में रहते हैं लगभग मान लो दिल्ली में, यहाँ पे कॉस्टली है तो यहाँ पे आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। तो फ्रेंड जगह के हिसाब से प्राइजेस अलग हैं। अगर दिल्ली की बात करूँ तो आपको 100 से 120 के आसपास आपको मिल जाएगी काफ़ी इजीली। एंड बाकी जो केयर आपको बस ऐसी करनी है जैसे नॉर्मल फिशेस की करते हैं, और वाटर चेंजेस का ध्यान रखना वीकली। अगर हम 20 से 25% वाटर चेंज करेंगे तो आपकी फिशेस काफ़ी हेल्दी और अच्छी रहेंगी, और 1 महीने में या 1.5 महीने में भी ग्रेवल्स भी क्लीन करने चाहिए। आप चाहे निकाल के करिए, निकालने से अच्छा लेकिन साइफन पाइप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मुझे आपको यही कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सिंगोरामी के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको टैंकमेट्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।